Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Parole Learn Together. उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इस वाले लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था, उसी तरह चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 5 से मिलता जुलता है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और इसको हम देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से सॉल्व होता है। साथ साथ मेरे चैनल के अंदर आपको केमिस्ट्री न्यू बुक और फिजिक्स और आपके पास जो इंग्लिश की जो न्यू बुक है उसके तमाम क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है जल्द से जल्द सॉल्व करके अपलोड करने की, और वो चीजें उसके अंदर मौजूद भी हैं, ठीक है। और साथ साथ आपके मेरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर जो 12 आपके मैथमेटिक्स के तकरीबन 80% मैंने सॉल्व करवा के अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो, एक एक सवाल सॉल्व किया है। साथ साथ मेरा प्राइवेट ग्रुप एंड पब्लिक ग्रुप भी है। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, जिसके अंदर मैं आपको क्या प्रोवाइड करता हूँ। पब्लिक ग्रुप तो आपके पास लिंक होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि आपके पास जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ गैस पेपर, टारगेट पेपर, MCQs पेपर, तमाम किस्म के पेपर जो प्रीलियम पेपर होते हैं, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, जिससे क्या होती है आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी होती है। उसको आपको एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और आप पूरे साल के लिए वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपने अगर ऐड होना है तो आपके पास नंबर मेरा शो हो रहा होगा, आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, इफ y लिखा हुआ है, इक्वल टू का निशान है 1/2 / 1/16 -1/2 ( 4.16 का स्क्वायर। इस तरह से एक सीरीज मेरे पास चले जा रही है, ठीक है। और कहा जा रहा है शो डेट, आपको शो क्या करना है, 16y इंटू वाई प्लस 2 = 1, आपने इसके बराबर इसको लेकर आना, मतलब यानी टर्म इक्वल टू से पहले और इक्वल टू को बाद इसके अकॉर्डिंग लेकर के हमें आना है, ठीक है। तो आप ही क्या लिखना है, हमें प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ लिख देना। तो मेरे पास क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ जो करना है वो करना है कि 16y प्लस 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, जबकि हमें वैल्यू क्या गिवन दी हुई है, हमें वैल्यू याली गिवन दी हुई है, ठीक है। तो मैं गिवन में लिख देता हूँ, जो चीज़ मुझे गिवन दी हुई वो क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कि y जो है वो बराबर है 1/2 / 1/16 -1/2 ( 4.16 स्क्वायर प्लस और सो ऑन। इसकी वैल्यू आगे चल रही है, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में क्या है जगह की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिख दिया, आपने याद रखा होगा जब आप बाइनोमियल थ्योरम को या बाइनोमियल एक्सपेंशन को पढ़ रहे होते हो तो उसमें हमेशा आपने याद रखा होगा यहाँ पे पहले 1 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या आता है, पहले 1 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, 1/2 / 16 है, तो कोई दूसरी वैल्यू आ रही है, तो मुझे क्या लेकर आना है, यहाँ पे 1 लेकर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 यहाँ पे ऐड करवा देंगे, ठीक है, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद ऐड करवा देंगे, और बाकी तमाम टर्म को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। याद रखना, 1 लाने के लिए इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद हमें क्या करना होगा, वैल्यूज को ऐड करवाना होगा, 1 को 1 को यहाँ ऐड करवा दिया और यहाँ ऐड करिए ताकि कैंसिल आउट हो और वापसी वही सवाल बन कर आ जाए, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास होता है क्या, 1 + x^n किसके बराबर होता है, 1 + nx + फिर इसका क्या होता है, n - 1 x² (2 + so on इसकी वैल्यू क्या होती है, आगे चलते रहती है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, तो मैंने बस इतना सा फार्मूला लिखा है, पूरा फार्मूला बहुत लंबा होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, ये 1 जो है मेरे पास 1 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू के बाद वाली टर्म देख रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड को देख रहे हैं। तो ये जो मेरे पास 1 है, 1 आ चुका है, फिर उसके बाद प्लस nx, ये nx की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें ना इसी के अकॉर्डिंग करके क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि हमारे पास किस तरह से ये वैल्यू सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से सॉल्व हो रहा है ये। तो सबसे पहले 1 वाले तो पता है ना, 1 हमारे पास 1 के बराबर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस वाली टर्म को लिखेंगे, nx जो है वो किसके बराबर होगा, सेकंड टर्म के, तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, 1/2 + 16, ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। फिर ये एन एक्स हो जाएगा, 1 से मेरे पास 1 होता है और 2 16 से मेरे पास कितना होता है, 32 होता है, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 32 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी होगी, क्योंकि सवाल में हमने लास्ट टाइम जिस तरह से सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। पहला स्टेप 1 को ऐड करना, दूसरा स्टेप फॉर्मूला लिखना, तीसरा स्टेप फॉर्मूला को देखते हुए वैल्यू को पुट करना, मतलब पहला वैल्यू 1 बराबर है 1 के,
रहने देंगे, एन एक्स को वैसे ही लिखेंगे और जो सेकंड टर्म होगी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया और इसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट किया। अब मुझे क्या करना होगा, फोर्थ स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर जब होगा तो क्या होगा, एन का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, वन का स्क्वायर मेरे पास वन होते हैं और 32 का स्क्वायर मेरे पास बराबर होता है 1024। तो 1024 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट वाले सवाल को अगर आप पढ़ते हुए आओगे तो उसमें देखा होगा मैंने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया था और इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दिया था, ठीक है। अब यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट यकीनन थर्ड पार्ट ये वाला फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या लिखूंगा, एन एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, इस थर्ड पार्ट के बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है ना उसके बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखा है, माइनस वन टू फैक्टोरियल 4.16 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसको लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n माइनस वन लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल मेरे पास 2 के बराबर होता है, ठीक है, और माइनस वही होगा, वन वन से मेरे पास वन ही होता है, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है, अगर हम 16 का स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 256 आती है। क्या आती है, 256। तो 256 हो जाएगा, इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, n माइनस वन एक्स का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1। ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी से लिखना पड़ेगा इसको हमें कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 256, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 2048। तो क्या आ जाएगा, 2048, बेटा 2 1 2, यहाँ पे भी कहा 2 1 2, 0 का 0, 2 2 4, 2 4 8, तो 1024 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू से पहले, इक्वल टू के बाद अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं एक जैसी वैल्यू को, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर देता हूँ ताकि मैं और नीचे लिख सकूँ। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे n आ रहा है, n माइनस वन आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस वन अपॉन 1024, ठीक है। तो माइनस वन अपॉन 1024, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम किसका नाम दे देंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे क्योंकि 1 तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होता है, जो अहम काम होता है क्या होता है, डिवाइडिंग, क्या डिवाइडिंग करना होता है हमें, इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, याद रखना क्योंकि हमें n और x की वैल्यू निकालनी है ताकि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, 1 + x और n, हमें ना तो ये वैल्यू मालूम है तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, डिवाइड करना, तो लिखूंगा n, n माइनस 1, ठीक है, फिर उसके बाद x का स्क्वायर, इक्वल का निशान, क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा है 1 और 1024 लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, डिवाइड में आ जाएगा n का स्क्वायर और x का स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड का निशान डाल के लिख देता हूँ क्योंकि अपॉन में 1024, तो क्या लिखना, 1 अपॉन 1024, यहाँ तक कोई मसला, n के स्क्वायर से एक n कैंसिल आउट, x के स्क्वायर से x कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1024, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 1024 और नीचे 1 आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसी यही टर्म करके तो क्या बचेगा, n माइनस 1 अपॉन n किसके बराबर है, माइनस 1 के, n यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के n, माइनस के n को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, प्लस का n हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस 1 उधर चले तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2n इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 2। तो देख लो किस तरह से हमने n की वैल्यू निकाल दी, हमने पावर की वैल्यू क्या कर ली है, निकाल ली। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, अगर हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर n की वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास x की वैल्यू खुद ना खुद ही आ जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखना, पुटिंग डी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ए की इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक, सॉरी n की इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए में हम n की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, n x लिखा हुआ, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा और x आ जाएगा इक्वल टू का निशान, फिर उसके बाद क्या लिखा है, 1 अपॉन 32, तो क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन 32 लिख दूंगा, ठीक है। सिंपल इसकी वैल्यू काट दो, क्या हो जाएगा, 2 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 2, यहाँ पे 2 6 12, तो 1 अपॉन 16 आ गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बन कर आई है, x की वैल्यू आई है 1 अपॉन 16, ठीक है।
तो मैंने क्या लिख दिया, 1/16 लिख दिया, और ये पॉजिटिव का 1/16 आया, इस चीज़ को याद रखना। अब मेरे पास n की वैल्यू आ गई, और मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 1+x का n, क्योंकि इसमें वैल्यू को ओपन किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रब करता हूँ, और क्या करता हूँ एंड देन इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इतने हिस्से को क्या कर दिया, रब कर दिया, ताकि क्या हो सके आगे हम लोग इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास ये जो पूरी टर्म है हमने यहाँ से लेकर जो यहाँ तक को सॉल्व किया था वो किसके बराबर आया, 1+x की पावर n। तो क्या लिखोगे बेटा, इक्वल टू से पहले लिखोगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास क्या बोलते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 1/16, ठीक है। और n की वैल्यू क्या आई है, n की वैल्यू मेरे पास आई है 1/2, तो क्या लिख दूंगा, 1/2। लेकिन इक्वल टू से पहले भी कुछ है, ठीक है, इक्वल टू से पहले क्या था मेरे पास, 1+y था ना, मेरे पास यहाँ पे रब हो गया है, मैंने यहाँ पे लिखवाया था 1+y। देखो फिर से दिखा देता हूँ आपको, अगर समझ नहीं आ रहा, एक लाइन रब हो चुकी है तो वापसी लिख देता हूँ, 1+y बराबर होता है 1.216 माइनस 1^2 factorial 4.116 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसकी वैल्यू जारी होती है, ठीक है। तो 1 एक मैंने यहाँ पे ऐड करवाया था, और एक 1 मैंने यहाँ ऐड करवाया था। ये जो पूरी वैल्यू है ना हमारे पास, वो किसके बराबर है, 1+x की पावर n के, ठीक है। और ये वाली वैल्यू वैसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो ये वाली वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ जो मेरे पास वैल्यू आई है। तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, x की वैल्यू क्या आई थी, 1/16, तो 1/16 हो गया, और n की वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है। तो इसको मैंने उसकी तरह लिख दिया, और ये जो वैल्यू है 1+y, इसको मैंने वैसे ही रहने दिया, ठीक है। आप आज इसको सॉल्व करते हैं, 1+y को वैसे ही लिखेंगे, 16 1 16, और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 17/16, तो क्या लिखा देगा, 17/16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, अभी मैं इसको मजीद सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा, हम इसमें करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 1/2, तो इसका जो फॉर्मूला में लगा हुआ उसको लगा के रखूंगा। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में क्या होगा, 1+y का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू का निशान 17/16 का क्या हो जाएगा, 1/2 था, और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हमें मालूम है एक चीज़, क्या चीज़ मालूम है, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, कि अगर आप इसके स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस स्क्वायर से अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको फॉर्मूला में ओपन कर दूँ, कौन से, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b के स्क्वायर के। तो इसको फॉर्मूला में कोश ओपन करो तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, और प्लस y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17/16 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ होने नहीं चाहिए था। अब प्लस 1 है, इसको इक्वल टू के बाद ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ बचेगा 2y और प्लस y का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ अगर चले आता है ये तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 17/16 माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको मजीद सॉल्व करना होगा, देखना होगा किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से मेरे पास y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, अगर y कॉमन ले लूंगा तो मेरे यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे y बचेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y प्लस 2, तो इससे कोई मसले की बात नहीं है। तो पहले मैंने y लिख दिया, फिर बाद में 2 लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 1 16, 17 में से 16 गया तो 1 बचा और नीचे क्या आ गया, 16 आ गया। बेटा 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16y y + 2 = 1। तो देखो क्या हमारे पास ये प्रूफ हो गया, हमें यही चीज़ प्रूफ करना था ना, 16y y + 2 = 1। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर लिया कितने आसान तरीके से। अब क्या करना होगा, हमें इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना होगा, जो कि बिल्कुल सेम इसी तरह तरीके से है, और हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलो आओ करते हैं सॉल्व इसका क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। सेम वही है, शो डैट करना है कि हमारे पास इसके बराबर लेकर आना है इस वाली टर्म को, ठीक है। प्लस करके ये डॉट 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 डाल दो, मैंने डाला नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रूफ लिखोगे। क्या चीज़ प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि
4x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, प्रूफ करनी है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन लिखी है उसको लिखूंगा कि क्या लिखा हुआ है। 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू करने शर्त डाला हुआ है 2 अपॉन 5 प्लस 1.3 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या 2 अपॉन 5 लिखा हुआ है और स्क्वायर प्लस, और खैर इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 डालेंगे, तो 1 दोनों साइड वो कर देंगे, लिख देंगे, तो 1 और 2 अपॉन 5 प्लस 1.3 2 फैक्टोरियल और 2 अपॉन 5 का होल फैक्टोरियल और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चले जा रही है। फार्मूला क्या होता है मेरे पास, क्या हमें क्या करना होगा, अब इसमें फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है बेटा, 1 प्लस एक्स, ठीक है, और उसकी पावर क्या होती है n, क्योंकि इसको इसमें एक्सपेंड करा हुआ है, इसको हमें इसको क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। तो ये बराबर किसके होता है मेरे पास, 1 प्लस एन एक्स प्लस फिर क्या होता है एन एन माइनस 1 का एक्स स्क्वायर और क्या होता है 2 फैक्टोरियल और सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली चले जाती है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें सबसे पहले 1 तो मेरे पास 1 के बराबर है, ठीक है, सिर्फ राइट हैंड साइड को देख रहे हैं, तो एन एक्स इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे कि एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, मेरे पास किसके बराबर है, एन एक्स की वैल्यू शायद मेरे पास सिर्फ 2/5 के बराबर है। एक बार चेकआउट कर लेता हूँ मैं बुक से भी कि मेरे पास क्या यही वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 फिर 2/5 ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2/5 ही लिखेंगे, ठीक है। तो एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2/5 आ जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 के बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सेकंड टर्म में क्या होता है, इस वाली टर्म को लिखते हैं, तो क्या लिखूंगा, n लिखूंगा n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, इक्वल टू का निशान है। अब जो हमारे पास सेकंड टर्म है ना उसको लिखेंगे, सेकंड टर्म मेरे पास ये है 1.3 2 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू लिखी थी, मैंने लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, n n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और 1 3 से मेरे पास 3 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 2 से मेरे पास क्या होता है 4 होता है, 5 5 से क्या होता है 25 होता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 से क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास n और n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल मेरे पास 2 ही के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे, जो मेरे पास 2 है ना वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12/25 आ जाएगा, ठीक है। तो n n माइनस 1 x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 यहाँ का मल्टीप्लाई होगा, तो 12/25 इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइडिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 1, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, हम इक्वेशन नंबर 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2 तो मेरे सामने लिखा हुआ है, n n माइनस 1 x का स्क्वायर इक्वल टू 12/25 डिवाइडेड बाय किससे होगा, n स्क्वायर x स्क्वायर के, ठीक है, और क्या आया था 4/25, तो क्या लिखूंगा 4/25 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब डिवाइड का निशान है, चेंज होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगी वाली वैल्यू, क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि n n, मैं इसकी वैल्यू को काट देता हूँ पहले, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है ना, कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, n से n कट गया, तो क्या बचा n माइनस 1 अपॉन n, जो कि बराबर किसके 12/25 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में किया 25/4, ये वैल्यू कटी, 4 1 4, 4 3 12, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनकर आ गई, मेरे पास आ गई यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू का निशान 3 आ गया सेफ, ठीक है, बाकी तमाम वैल्यू कटी गई, तो मेरे पास क्या आ गया 3, इस n को उधर ले जाऊंगा तो n माइनस 1 3 n हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्लस n है यहाँ देखे माइनस n हो जाएगा, तो माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 3n माइनस का n, तो माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2n के, और ये 2 इधर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 1 अपॉन 2n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन 2n की वैल्यू आ गई। जब n की वैल्यू निकल जाती है तो इसकी मदद से, इक्वेशन नंबर ए की मदद से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या लिखूंगा कि पुटिंग करेंगे हम लोग वैल्यू किसकी, पुटिंग वैल्यू n
इन इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर रहे हैं, तो ए में क्या होता है, एन होता है, तो माइनस वन अपॉन टू और एक्स हो जाएगा, ठीक है, एन एक्स है तो माइनस वन अपॉन टू एक्स टू अपॉन फाइव, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू अपॉन फाइव हो जाएगा, ठीक है। इस फाइव एक काम करते हैं, टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर अपॉन फाइव लेकिन माइनस का, ठीक है। तो क्या आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास y की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो यहां तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा सम के फॉर्मूला में पुट करके। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ वाले हिस्से को रब करता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ वाले हिस्से को रब कर लिया। अब चलो लिखते हैं, अब मुझे मालूम है सम के बराबर है ये पूरी वैल्यू, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू का निशान डालूंगा, वन लिखूंगा प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का फोर अपॉन फाइव, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का फोर अपॉन फाइव लिख दूंगा, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू माइनस का वन अपॉन टू है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का वन अपॉन टू लिख दूंगा, क्योंकि n की वैल्यू अभी निकाला था, माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू से पहले क्या लिखा है बेटा, वन प्लस वन अपॉन एक्स, तो क्या लिख दूंगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो इस x को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव में से फोर गया तो क्या बचा, वन अपॉन फाइव बज गया, ठीक है। और पावर क्या है मेरे पास, माइनस वन अपॉन टू, याद रखना जब भी पावर को हमें चेंज करना होता है, माइनस निशान हटाना होता है, तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन को वैसे ही लिखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, फाइव के ऊपर वन अपॉन टू पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि ये स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, याद रखना है वन अपॉन टू रूट होता है, तो रूट की वैल्यू हटाने के लिए याद रहे स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फाइव वन अपॉन टू के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास फॉर्मूला में ओपन हो जाएगी वैल्यू को, जरा ओपन करके देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन क्या होगा, फॉर्मूला में ओपन होगा, ठीक है। तो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ मेंशन कर देना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पहले मेरे पास x का स्क्वायर आएगा प्लस टू एक्स आएगा और प्लस वन आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, और फाइव से फाइव करके तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, मेरे पास फाइव बच जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब x के स्क्वायर को यहाँ के मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का वन किसके बराबर हो जाएगा, फाइव एक्स के स्क्वायर के, ठीक है। अब फाइव इस तमाम वैल्यू को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखना है, तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स का स्क्वायर किसके बराबर, फाइव एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर था वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का टू एक्स था वहाँ जाके माइनस का टू एक्स हो जाएगा, ये माइनस का वन हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फाइव में से वन गया तो कितना बचा, फोर एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो यारी टर्म जिसे हमें प्रूफ करना था उसके बराबर आ गई, जी बिल्कुल आ गई। तो हमारे पास क्या हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया और हमने इसको कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर नाइन है, वो भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर नाइन भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन आ गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन को सॉल्व करते हैं, ये 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो आ जाए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वही काम करेंगे जो मुझे शो डॉट करना है, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं नहीं लिख रहा वापसी प्रूफ, मैं डायरेक्ट सवाल को लिख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, वाई अपॉन टू इक्वल टू कंडीशन वन अपॉन टू फोर अपॉन नाइन प्लस वन डॉट थ्री अपॉन टू स्क्वायर डॉट टू का फैक्टोरियल फोर अपॉन नाइन का स्क्वायर और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, आगे कंटिन्यूसली चले जा रही है। तो मैं ऐड करूंगा प्लस वन को, तो y अपॉन टू इक्वल टू फिर प्लस वन ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू फोर अपॉन नाइन प्लस उसके बाद क्या होगा मेरे पास वन डॉट थ्री टू का स्क्वायर डॉट टू का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है फोर अपॉन नाइन का स्क्वायर और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आगे कंटिन्यूसली चले जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, एक दफा सवाल भी मैच कर देता हूँ कि मेरा सवाल बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, वरना आखिरी में क्या होता है हमारे पास पूरी वैल्यू गलत निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास सही वैल्यू है, ठीक है, टू का फैक्टोरियल है 21, मत समझ जाना कोई, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इस वाले एरिया को सॉल्व करना होगा, तो इस वाले एरिया को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, वन प्लस एक्स किसके बराबर होता है अपॉन एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर और क्या होता है टू का फैक्टोरियल और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होती है, आगे कंटिन्यूसली चले जाती है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको एक एक करके वैल्यू देखनी होगी, तो एन एक्स है तो किसके बराबर होगा, सेकंड टर्म के, तो एन एक्स लिखूंगा और किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन टू फोर अपॉन नाइन, ठीक है,
तो एन एक्स लिखूंगा 1/4 है, मेरे पास 4 होता है, 2 9 है, कितना होता है 18 होता है, तो इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ठीक है, 4/18, ठीक है, 2 9 18। अब क्या होगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 4 के ऊपर स्क्वायर और 18 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, तो 4 4 है मेरे पास कितना होता है 16 होता है, जबकि मेरे पास 18 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, तो 18 का स्क्वायर जो होता है मेरे पास वो मेरे पास बराबर होता है, हमारे पास किसके बराबर होता है 324 के, तो क्या लिखा 324 लिख दूंगा, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। अब हमें सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करना, तो क्या लिखूंगा n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, सेकंड टर्म करो, सेकंड टर्म के लिखा है 1.3 अपॉन 2 का स्क्वायर डॉट 2 फैक्टोरियल 4/9 का स्क्वायर, ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है और 1 3 जा मेरे पास 3 होते हैं और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है तो 4 2 जा मेरे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है 16 के और 9 9 जा 81 होता है, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 16 से, तो मेरे पास क्या आता है 48 आता है, ठीक है, और 8 को जब 81 से करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 8 को अगर 81 से करेंगे तो मेरे पास आएगी इसकी वैल्यू 648, तो क्या आ जाएगा 648 आ जाएगा और n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो क्या 324 आ गया। तो क्या लिख दूंगा n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 48 अपॉन 324, तो लिख दिया मैंने इस वाली वैल्यू को, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको मजीद सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे जैसे हमने उसमें किया था कि अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो वैल्यू से, लेकिन अभी मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ डायरेक्ट डिवाइडिंग ही कर देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया हूँ, 2 का नाम दे दिया हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 किसके बराबर हो जाएगा, n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइड किससे होगा, n स्क्वायर x स्क्वायर के, इक्वल टू का निशान 48 अपॉन 324 डिवाइडेड का निशान इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 16 अपॉन 324, तो 16 अपॉन 324 कर देता हूँ, तो 16 अपॉन 324, ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये कटा, इससे ये कटा, तो क्या बचा n माइनस 1 और नीचे क्या बच जाएगा एक दफ़ा n 48 अपॉन 324 मल्टीप्लाई का निशान 324 अपॉन 16, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट हो गई, तो n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू, इसको भी काट दो, अगर हम 48 को डायरेक्ट ही काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हो, 16 को अगर आप कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ ही जाएगा 16 1 16 16 3 48, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया, n को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा कि n माइनस 1 इक्वल टू 3n और फिर इस n को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3n माइनस का n, तो माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2n और n वहाँ चले जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, लेकिन किस में, माइनस में, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो डायरेक्ट ही वैल्यू लिख रहा हूँ कि मेरे पास माइनस का 1/2x, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ए में पुट कर रहा हूँ, तो 1/2x 4/18, तो क्या लिख दूंगा 4/18, ठीक है, 2 1 2 2 9 18, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू जो है, माइनस वहां ले जाता हूं तो माइनस 4/9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहां तक एक्स और किसकी वैल्यू निकल गई, एन की वैल्यू निकल गई, एक वैल्यू मेरे पास, दोनों ही वैल्यू मेरे पास किस में आई है, माइनस में आई है। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, तो मैं क्या करता हूँ पहले इतने वाले हिस्से को रब कर लेता हूँ ताकि मैं इसको लिख सकूँ, ठीक है, तो इतने वाले हिस्से को रब कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वाले हिस्से का काम हो चुका है, ठीक है, तो अब क्या करना होगा, मेरे पास क्या लिखा है 1 + y/2, तो क्या लिखूंगा 1 + y/2 और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है, क्या ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 लिखना होता है, फिर माइनस का मेरे पास 4/9 है, मतलब x की वैल्यू और n की वैल्यू -1/2, ठीक है, यहाँ तक तो कोई मस्ती की वैल्यू नहीं, 2 1 से मेरे पास 2 होता है प्लस y अपॉन क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 9 1 9 होता है और 9 में से अगर 4 जाता है तो मेरे पास क्या बचता है 5/9, तो क्या आ जाएगा 5/9 माइनस का 1/2। अब मुझे इस वैल्यू को पॉजिटिव बनानी, तो ये ऊपर और ये नीचे,
तो 2 प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा 9 अपॉन 5 और पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि ये क्या हो जाए 1 अपॉन 2 कट जाए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो किस तरह से हो जाएगा बेटा, 2 प्लस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 9 अपॉन 5 के 1 अपॉन 2 के होल स्क्वायर के। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 2ab होता है ना, तो 2 लिखूंगा, a की वैल्यू के 2 और b की वैल्यू के y प्लस y का क्या हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 9 अपॉन 5 और नीचे क्या आ जाएगा 2 टू जा 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर इधर भी है नीचे भी और ऊपर भी है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी। 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 के बराबर होता है प्लस 2 टू जा मेरे पास किसके बराबर होता है 4 y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और y का स्क्वायर मेरे पास y के स्क्वायर के बराबर होता है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 9 अपॉन 5 वैसे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, अब हमें सिंपल मल्टीप्लाई कर देना होगा, 9 4 से मेरे पास कितना होता है 36, तो 4 प्लस 4 y प्लस y का स्क्वायर 36 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, ये 5 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा 5 लिख दूंगा। ठीक है, 4 प्लस 4 y प्लस y का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा, 5 4 जा मेरे पास 20 होता है प्लस 5 4 जा 20 y और 5 1 जा 5 y का स्क्वायर। ठीक है, 5 y का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा। अब इस 36 को भी इक्वल टू से पहले ले आता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ, 5 y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 20 y हो जाएगा और प्लस का 20 है और माइनस का 36 है। ठीक है, अगर हम 20 में से 36 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 16 बचेगा। ठीक है, 20 में से अगर माइनस कर दें 36 को तो मेरे पास माइनस का 16 ही बच रहा है। ठीक है, तो 5y का स्क्वायर प्लस 20y माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो देखो यानी टर्म हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम किसके आ गई, इसके आ गई है। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 17 को आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आप मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, कोशिश करूँगा कि इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इन ग्रुप का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।